अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जुनेद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जुनेद अली, और जिस पे हम व्लॉग्स वगैरह डालते रहते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपकी सैर कराता हूं, थोड़ा सा चक्कर लगाते हैं यहां पे हम, जिसमें अपनी ज़बान में तो हम इसे खाला कहते हैं, उर्दू में पता नहीं क्या कहते हैं, शायद नाला कहते हैं। उसके ऊपर चल के जाते हैं बन्ने पे, बांध पे। ठीक है, तो मैं आपको इसका, शाम हो रही है और ये देखें आप कितना क्यूट लग रहा है यार, कैसा माहौल है, सरसब्ज, हर चीज़ सब्ज नज़र आ रही है, क्या ही बात है यार। ये देखें, ये माहौल चेक करें यार आप, है ना मज़े की चीज़ यार। हर तरफ ये देखें पानी है, इसके थ्रू आप जो है ना फसलों को फसलों को जो है ना पानी लगाने के लिए ये खाला इस्तेमाल करते हैं, इसके थ्रू हम जो है ना फसलों को पानी देते हैं। ठीक है, और ये जो ज़मीन है इसमें पानी भी लगा हुआ है, और 2-3 दिन पहले इसमें जो है ना गंदम का बीज डाला गया है ताकि इसकी गंदम की बुझाई कर सकें। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये मकई है। ठीक है, ये सब सर सब्ज है, ये भी इसके ऊपर काफ़ी छल्ले वगैरह भी लगे हुए हैं। ये थोड़ा सा जहाँ से मैं चल रहा हूँ ये थोड़ा नीचे है, मैं थोड़ा ऊपर चल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये खुदी हुई ज़मीन है तो इसलिए ये छोटी नज़र आ रही है, अलबत्ता ये मुझसे भी बड़ा इसका कद है। ठीक है, तो ये माहौल है, सूरज आपको नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल गरूब गरूब हो चुका है। ठीक है, शाम के वक्त ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज पूरा दिन वीडियो बनाने का जो है ना टाइम नहीं मिला, मैंने कहा चलो अभी बना देता हूँ। ठीक है, तो ये जो है ना फिर काफ़ी दिलचस्प माहौल होता है, मज़े का, काफ़ी लोग इसे एंजॉय भी करते हैं। कुछ लोग कहते हैं यार आपकी वीडियोस अच्छी होती हैं, किसी को पसंद नहीं आती, क्योंकि हर किसी का अपना मिजाज होता है, कोई किसी का कुछ कह तो नहीं सकते ना यार, किसी का मिजाज किसी तरह का होता है, किसी का किसी तरह का होता है, तो फिर क्या कर सकते हैं। बहरहाल काफ़ी लोग हैं जो के पसंद करते हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये माहौल है, कैसे कमाल का माहौल है यार, ज़बरदस्त, हर तरफ हर जगह सब्ज ही सब्ज नज़र आता है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, मकई के अंदर मैं आया हूँ। ठीक है, साथ साथ मकई के चल रहे हैं, यस। और अभी इस टाइम काफ़ी ठंड भी है, हालांकि अभी फुल रात नहीं हुई लेकिन फिर भी काफ़ी ठंड है, तो आप सोच सकते हैं जब रात हो जाएगी तो फिर यहाँ से गुज़रना भी काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सर्दियों का मौसम है और सर्दियों में फिर सर्दी ना लगे वो भी मकई से गुज़रते हुए, तो ये हो नहीं सकता मेरे ख्याल से ना। तो इस तरह का यार माहौल होता है हमारे पास। बाकी यार मैं आपके कमेंट्स देखता रहता हूँ, माशाल्लाह से आप काफ़ी सपोर्ट करते हैं, तो यही यार आपसे रिक्वेस्ट होती है, सपोर्ट किया करें यार, हमारी हौसला अफज़ाई होती है। और वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें, ताकि जो है ना हमें पता हो यार कि हमारी पब्लिक देख रही है हमें। ठीक है, ये देख लें आप, ये तकरीबन 10-15 दिन पहले इसकी बुझाई की गई थी, इसका बीज डाला गया था गंदम का, अब ये निकल आई है, काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रही है, सब्ज़ नज़र आ रही है। ठीक है, ये सारी मकई है, ऊपर से आप ये माहौल देख सकते हैं कैसा नज़र आ रहा है। ठीक है, तो काफ़ी मतलब ये माहौल होता है यार इधर, मैं तो अकेला होता हूँ इधर, यार दोस्त मैंने कभी ना रखे हैं ना, मैं मुझे शौक है रखने का, तो मैं अकेला ही घूमता फिरता हूँ। ठीक है, तो बहरहाल मैं अकेला भी काफ़ी मज़ा आता है, आप ख़ुद देख लें फिर, अगर आपने कभी विज़िट करना हो तो ज़रूर बताइएगा, मैं अपना नीचे कमेंट में नंबर भी मेंशन कर दूँगा,
जिसने आना हो फिर हमसे कांटेक्ट कर सकता है, इंशाल्लाह उसको फुल एंजॉय कराएंगे और देसी माहौल दिखाएंगे। यहाँ के लोग भी सादा होते हैं, माहौल भी सादा होता है, सादा माहौल सादा लोग, ज़िंदगी होती है हमारी अनमोल। मैं आपको क्या क्या इसके फ़ायदे बताऊं यार, अगर कभी दिल करे तो आप ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। तो आज की वीडियो यार यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अलहने के बाद खुश रहिए, आबाद रहिए।